हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे पहले से एक नए ब्लॉग में। एंड गाइस, आज का लाइफ साइकिल स्टार्ट फिर से हो गया है एंड मैं रेडी हो गया हूँ कोचिंग जाने के लिए। तो गाइस, मॉर्निंग में यही सीन रहता है, मेरा कोचिंग निकलना होता है एंड डायरेक्टली भी कोचिंग निकलते हैं और देखते हैं लाइफ साइकिल आज का क्या है। कल का ब्लॉग काफ़ी शानदार था बड़ी, लेकिन यार मैं इतना शानदार ब्लॉग बना रहा हूँ लेकिन कोई भी वायरल नहीं हो रहा है यार। काफ़ी अनमोटिवेट हो जाते हैं कि 170 प्लस वीडियो होने वाले हैं, एक भी वीडियो यूट्यूब ने वायरल नहीं किया। हद हो गई यार यूट्यूब की भी, क्या एल्गोरिथम है समझ में नहीं आ रहा है। इतने बकवास बकवास वीडियो वायरल हो रहे हैं कि दिमाग खराब हो जाता है देख के। कभी कभी लगता है कि हटाओ यार ये सब चीज़ें, क्या करें क्या नहीं करें। चलो गाइस, देखते हैं आज का लाइफ साइकिल क्या होता है एंड चलते हैं। हे गाइस, तो इस टाइम टू प्रेजेंट में कोचिंग एंड अभी कोचिंग में ये सारे बच्चे, सभी की स्टडी चल रही है कंटिन्यू। ये बॉस देखिए, बॉस बैठे हैं। हाय बॉस। कल की छुट्टी नहीं करें? तो भाई छुट्टी वाले बच्चों के ज़्यादा वोट हैं। वैसे मेरा इशू नहीं था अभी छुट्टी करने का, फिर भी छुट्टी हो गई। ठीक सर, आप सबसे प्यारे चलो। पागल है, 12:30 बजे बहुत धूप रहती है बेटा, जल्दी करो। इसका देखो दांत चूहा ले गया। चलो बाय बाय। तो यार अभी पहुंच गए हैं शॉप पर एंड शॉप पर आने के बाद यहाँ की पूरी क्लियरिंग कर ली है रूट। और आगे का सीन ये हो गया यार गाइस कि जस्ट अभी मेरे पास मेरे चाचा जी का कॉल आया कि खेतों में मशीन लग गई है, हार्वेस्टिंग मशीन, एंड फिर जाना पड़ेगा क्योंकि खेतों की कतरनी स्टार्ट फिर से हो गई है। एक बार में क्या रहता है ना कि एक बार में दो दो तीन तीन जगह कतरनी स्टार्ट हो जाती है, तो एक आदमी को हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, सभी जगह रहना पड़ता है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं, गांव भी जाना है मुझे अभी। एंड अभी शॉप की पूरी क्लीनिंग कर दी है मैंने और अभी जस्ट शॉप पर बैठने का टाइम मिला है मुझे, तो यहाँ पर बैठ रहा हूँ। तो गाइस फिर से गाँव जाना पड़ेगा, कल भी गाँव गए थे एंड आज फिर से गाँव जाना पड़ेगा। देखना है वहाँ पर खेत में कैसी क्या कतरनी चल रही है एंड अब पीसी की बारी आ गई है। पहले मटर अटर चनाना से फ्री हो गए थे एंड कुछ पीसी भी फ्री हो गई, कुछ खेतों की पीसी कतर गई थी एंड अभी कुछ खेतों की और रह गई है। तो आज जाते हैं और देखते हैं वहाँ का सीन क्या बनता है। डूड रॉकिंग बॉडी। हे गाइस, तो यार काफ़ी टाइम हो गया मुझे शॉप पे। अभी जस्ट मेरे पास चाचा जी का कॉल आया कि वो मशीन चल रही थी खेतों में, तो मुझे जाना था गांव स्पेशली, बट वो मशीन अचानक से ख़राब हो गई और उसके कुछ पार्ट्स थे जो कि लोकल में तो मिलते नहीं हैं, जो हार्वेस्टर चल रही थी खेत में। तो झांसी में गए हैं वो लोग एक मैकेनिक को हायर करने जो उसको सही करेगा, तो शायद आज खेत पूरे तरीके से कम्प्लीट हार्वेस्टिंग नहीं होगी, तो आज नहीं जाके हो सकता है कि कल फिर से हो, तो कल जाएंगे एंड घर पे जाने का प्लान कैंसिल। तो यही मैं कह रहा हूँ, लाइफ में चैलेंजिंग रहता है यार, कभी कहाँ पर क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है लाइफ में, है ना। तो इमिडिएटली प्लान चेंज हो गया है एंड अब लाइफ का सीन थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब घर पे नहीं जाके देखते हैं अब लाइफ में क्या चलने वाला है। हे गाइस, तो यार बाहर काफ़ी धूप है यार, मैं बाहर आया था थोड़ा एंड इतनी ज़्यादा धूप है यार यहाँ पे कि बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है यार। इतनी गरम गरम हवा चल रही है कि अगर कहीं जाने का भी प्लान बनाओ तो ये लगता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, बीमारी बीमार पड़ जाओगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी मुझे खांसी उठ रही है समथिंग कुछ दिनों से एंड दवाई तो खा रहे हैं बट तो कुछ आराम नहीं हो रहा है उसमें। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी लॉन्ग टाइम तक खांसी रही है। तो गाइस बाहर का सीन हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसा है। तो यार बेसिकली मुझे अभी हॉस्पिटल आना पड़ा एंड मैं सोच रहा था यार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े मुझे, बट एक खांसी यार बिल्कुल जा ही नहीं रही है। मैंने दो सीरप ट्राई कर लिए एंड इसके बाद मैंने लास्ट ये कॉरेक्स सीरप भी ट्राई करके देखा कि मैंने इससे चली जाएगी, लेकिन कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है यार खांसी में। मतलब ज़िंदगी में पहली बार इससे ज़्यादा परेशान हो गए खांसी से। तो फाइनली मलेरिया जी डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, उनसे मैंने टेबलेट्स लिखा ली। पर्चे तो आज बन नहीं रहे, पर्चे बन रहे अभी बट वो मिल गए थे, तो
अब इनको परचेस करते हैं मेडिकल से, एंड अब देखते हैं यार ये खांसी का, वही कहते हैं ना बीमारी की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। अगर किसी की लड़ाई होना है और हंस जाए कोई तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी 100%, एंड बीमारी की जो जड़ होती है वो खांसी रहती है। तो वहाँ साहब ने कहा नहीं आप तुम सीधे जाओ और पहले दवाई लेके आओ। तो जस्ट मैं अभी आया यहाँ पे और मेरा लक अच्छा था कि मलेरिया जी भी मुझे मिल गए, एंड अब चलते हैं मेडिकल यार दवाई लेते हैं पहले। तो गाइस अभी शॉप पर आ गए और फिर से देखते हैं अभी सीरप फिर से डॉक्टर साहब ने लिख दिया है यार। इस बार मैं मतलब सच में परेशान हो गया हूँ, कितने सीरप पीने पड़े मुझे, 2 सीरप यूज़ कर चुका हूँ और ये हुआ है सिर्फ वो बर्फ़ के गोले खाने से। एंड यार अब लाइफ में अब बर्फ़ के गोले नहीं खाऊँगा। उस टाइम पे बेकार किया मैंने, खा लिया यार वो नुकसान कर रहा है मुझे, और उसको खाने के बाद ही मुझे खांसी स्टार्ट हुई और अभी तक ठीक नहीं हो पाया। एंड अभी डॉक्टर साहब ने लिखा है प्लस सीरप है, अब देखते हैं क्या होता है इसका असर। आइसोलेनेट प्लस सिरप एंड कुछ टैबलेट्स भी हैं यार, मतलब मुझे टैबलेट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है यार, आई डोंट लाइक दिस। बिना इनके सही हो जाती तो अच्छा रहता है यार, विदाउट इन्हें खाए हुए सही हो जाना चाहिए था मुझे, बट खाना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस अभी तो मेरी लाइफ स्टाइल बड़ी रॉन्ग वे में जा रही है यार, क्योंकि हेल्थ ही डाउन है मेरी अभी, एंड ये खांसी ठीक हो जाए तो इसके बाद मुझे अब आज के बाद मैं बर्फ़ के गोले कभी नहीं खाऊंगा एंड आइस ही नहीं खाऊंगा। क्लियर पॉइंट? ओके। व्हाट्सअप डूड, तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस बेसिकली आज तो मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि यार मैं कह सकूं कि भाई रॉकिंग डूड, नथिंग इज़ रॉकिंग यार। लाइफ का स्ट्रगल थोड़ा अलग अलग रहता है, एंड एक्चुअल में क्या है कि मेरे अभी थोड़ा सा हेल्थ डाउन है यार। तो गाइस हेल्थ डाउन है जिससे कि कुछ रॉकिंग वाली फीलिंग अंदर से आ नहीं रही है, एंड अदरवाइज ज़िंदगी में भी कुछ रॉकिंग हो नहीं रहा है अभी। तो गाइस सारा दिन ऐसा ही रहा मेरा, यहाँ बैठे 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 और खांसी आ रही है तो खुल 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 करते हुए, एंड डॉक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कोई मेजर इशू नहीं है, बट मैंने जो बर्फ़ के गोले खाए थे ना उसमें वो नमक वमक कुछ डाल के देते हैं और गंदी रहती है यार बर्फ़, तो वो मुझे को अभी तक नुकसान कर रही है। तो बैठ के मैंने कहा क्या किया जाए, टाइम पास कर रहा हूँ, ये माचिस है, ये तीली है, इसको इस तरीके से रख के और इसको बार बार ऐसे ऐसे वो प्रेस कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार क्लिक की आवाज़ आ रही है लेकिन जल्दी नहीं है, 1 2 3 ओ भाई साहब फाइनली जल गई। तो अगर ये जल जाती है अगर 10 से पहले तो गेम में आउट हो, वरना गेम विनर रूड। एक वन मोर टाइम, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीत गया 10 11 12 13 14। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, माचिस है, ओ बॉस। तो गाइस बेसिकली जिस लाइफ में अभी कुछ खास नहीं हो रहा है, तो बाहर का सीन देख सकते हैं, मंदिर की आरती हो गई है, एंड मंदिर की आरती मैं आज मैं नहीं गया था बिकॉज मन अच्छा नहीं है, लेकिन पीछे की आरती मैंने कर दी है और सब कुछ गंदा। तो यार अभी नंबर 2 की फील्ड में खड़े हुए हैं, एंड मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ का मूवमेंट दिखाऊँगा कि मेला अभी है कि नहीं है। तो गाइस मेले का देखिए अभी मेन गेट लगा हुआ है, बुंदेली जलवा महोत्सव, एंड अंदर के झूले वगैरह सारे कुछ निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और जो मैन थे वो तो निकल गए बट उनका स्ट्रक्चर रह गया, क्योंकि इनको लगाने में भी इनको 5-6 दिन लग गए थे, एंड निकालने में भी समथिंग 5-6 दिन लग गए हैं। पूरा मेला यहाँ से टीन सेट लगा था, पूरा टीन सेट हटा दिया गया। तो गैस मैंने आपको बताऊँ यहाँ का पूरा एकदम बीरंग लग रहा है यार, और जब मेला था तो यहाँ पर एक बहाना था आने का कि भाई चलो यार मेला चलते हैं और वहाँ का सीन देखते हैं थोड़ा सा, तो वो बहाना ख़त्म हो गया यार सभी लोगों का। तो गाइस चारों तरफ यार यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, देखो चारों तरफ अंधेरा, यहाँ पे कितनी लाइटिंग थी यार उस टाइम पे। मेले की वीडियो डले हैं मेरे, देख सकते हो आप, एंड मेले वाले काफ़ी क्लासिक वीडियो हैं, मैंने अलग से डाल दिए थे। पीछे देखिए आप जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सारी जगह झूले लगे हुए थे यार, नावड़ी लगा था, स्लैम्बो झूला आया था, एंड जो हिडोला होता है वो तो आया ही था बाउंस। तो गाइस सबसे पहले तो आप आसमान का सीन देखिए, चंदा मामा रोशनी बरसा रहे हैं यार, काफ़ी क्लासिक है, एंड छोटे छोटे से स्टार हैं, जो छोटे छोटे से स्टार हैं जो आपको छोटे से झिलमिला रहे हैं,
चंदा मामा तो क्लियर नज़र आ रहे हैं। एंड इस तरफ देखिए आप, चारों तरफ कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये रहे वो झूले, इसमें लगा हुआ था नावड़ी जो निकल गया है, बस स्ट्रक्चर रह गया। इसमें लगा था हिड़ोला, वो भी निकल गया, ओनली स्ट्रक्चर रह गया। तो गाइस बेसिकली मैं आया था यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी लेने के पर्पज से मैं आया था मार्केट। इसके बाद मैंने कहा यार मैंने यहाँ का सीन दिखाया नहीं, आपको बोला था कि वहाँ का सीन दिखाएंगे, तो जस्ट हम यहाँ पर आ गए। तो गाइस चलते हैं अब घर पे। एंड लाइफ साइकिल अपना इतना ही था आज का। और हे गाइस, तो यार फाइनली ज़िंदगी की भाग दौड़ मेरी इसी स्वीट रूम में ख़त्म होती है। एंड गाइस आज कुछ ज़्यादा रॉकिंग नहीं हुआ डूड, बिकॉज यार लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी लाइफ सेम रहती है। तो गाइस इतना ही कहेंगे कि अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना, एंड चैनल पर नए आए हैं गाइस तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो बड़ी। मेरे वीडियो हमेशा नए व्यूवर्स आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना बड़ी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।